हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जो अनिवार्य संस्कृत है आपका, उसका तीसरा चैप्टर देखेंगे, जो कि है संस्कृत भाषा या महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। तो ये आपकी किताब में तीसरे चैप्टर के रूप में दिया गया है, संस्कृत भाषा का महत्व। तो इसका हम लोग संपूर्ण हिंदी अनुवाद देखेंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, इसमें से आता है बहुत सारे पैराग्राफ हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, ये सभी पैराग्राफ। तो ये आपको 7 नंबर दिलाएंगे, ठीक है। ये गद्य का पोर्शन है आपका, इससे आपको अगर इसमें से आपका आ जाता है तो 7 नंबर आपका हो जाएगा। 7 नंबर गद्य से आता है और 7 नंबर पद्य से आता है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में हम संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको जानना है इसका अनुवाद, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं और जो लोग भी नहीं आए हैं, आप लोग पहले उन अपने अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी आ जाए। तो आज हम लोग संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, पहला पैराग्राफ देखते हैं क्या दिया गया है। पहला पैराग्राफ जो दिया गया है वो है छोटा, वो है धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द छंदोः प्रश्विनी सूर भारती। धन्यो अयम मतलब कि धन्य है, अयम मतलब यह, भारत देशः, भारत देश, यत्र मतलब जहां, समुल्लसति का अर्थ होता है सुशोभित होती है, सुशोभित होती है, ठीक है। सुशोभित होती है, क्या सुशोभित होती है? जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, और भव्य भाव उद्भावनी, और भव्य भाव का उद्भव करने वाली, और शब्द संदोह का अर्थ है शब्द समूह का, प्रश्विनी, प्रश्विनी का अर्थ होता है प्रसव देने वाली अर्थात जन्म देने वाली, सुर भारती देवताओं की भाषा, देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि धन्य अयम, यह भारत देश है, यह भारत देश धन्य है, यत्र जहाँ पर समूल से सुशोभित होती है, जनमानस को पवित्र करने वाली, और भव्य भावों का उद्भव करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा, ठीक है। तो यह भारत देश धन्य है जहां पर देवताओं की भाषा, या फिर कहें संस्कृत भाषा, ठीक है, जहां पर संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। किस रूप में सुशोभित होती है? किस रूप में? जनमानस को पवित्र करने वाली और भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। तो यह भारत देश धन्य है जहां पर जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, और शब्द संदोह और शब्द समूहों को प्रसव देने वाली अर्थात जन्म देने वाली संस्कृत भाषा, या कहें तो देवताओं की भाषा सुशोभित होती है, या संस्कृत भाषा सुशोभित होती है, या देववाणी कह सकते हैं। सुर भारती का मतलब होता है देववाणी। देववाणी किसको हम कहते हैं? संस्कृत भाषा को कहते हैं, ठीक है। देववाणी किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा को। विद्यमानेषु, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्यः, वाङ्मय रहेगा यहाँ पर, अस्यः वाङ्मयम्, वाङ्मय सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते, सुसंपन्नं च वर्तते, ठीक है। तो इसका देखते हैं क्या लिखा है। वाङ्मयम्, तो इसमें क्या कह रहा है कि विद्यमानेषु मतलब कि वर्तमान, वर्तमान, विद्यमानेषु का अर्थ क्या हो जाएगा? वर्तमान, या फिर आज का, या फिर विद्यमान। निखिल, निखिलेष्वपि संपूर्ण, अर्थात निखिल संपूर्ण जो संसार है इसमें वर्तमान संपूर्ण, वाङ्मयेषु मतलब साहित्य, वर्तमान संपूर्ण साहित्य, वाङ्मयेषु, वाङ्मय का अर्थ लिख देती हूँ यहाँ पर, साहित्य होता है, ठीक है, साहित्य होता है। तो वर्तमान संपूर्ण साहित्य, अस्याह मतलब इसका, वाङ्मय साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न च, और वर्तते है, तो वर्तमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सुसर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। किसका साहित्य? संस्कृत का साहित्य। तो वर्तमान
संपूर्ण साहित्य में इसका अस्याह मतलब इसका इसका साहित्य, वांग्मय यहाँ पर रहेगा तो इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ च आ जाएगा आगे, और सुसंपन्नम सुसंपन्न वर्तते है। तो सभी या वर्तमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य कैसा है? सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। आगे देखिए, इयमेव इयमेव भाषा संस्कृत नामनायपि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा इयमेव मतलब यह भाषा एव या ए भाषा जो है ये कैसी है? ये भाषा संस्कृत नामनायपि संस्कृत नाम से लोके संसार में प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध अस्ति का अर्थ होता है। यह भाषा कैसी है? यह भाषा संस्कृत नाम से संपूर्ण संसार में या लोक में प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है या जानी जाती है। यह भाषा किस नाम से जानी जाती है? संस्कृत नाम से संपूर्ण संसार में या लोक में समाज में संसार में जानी जाती है। ठीक है, अस्माकम रामायणे हमारा रामायण, महाभारत महाभारत, और यहाँ पर इसको महाभारत के बाद अ बच गया तो आद्यतिहासिक ग्रंथ और आद्यतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेद चारो वेद, उपनिषद उपनिषद, अष्ट दस पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, च जहाँ पर लगता है उसके आगे हम और को ले आते हैं, और अन्य च महाकाव्य नाट्यदीनि अश्यामेव भाषायाम लिखितानि, अन्यानि और अन्य महाकाव्य नाट्यदीनि नाटक, ठीक है, और अश्यामेव इसी भाषायाम इसी और भाषायाम भाषा में लिखितानि मतलब लिखे गए, संति का अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अस्माकम हमारा जो रामायण है महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत रामायण आदि जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, चत्वारो वेद चारो वेद, उपनिषद 18 पुराण और अन्य महाकाव्य और नाटक, अस्यामेव इसी भाषा भाषायाम भाषा में लिखितानि लिखे गए, संति का अर्थ होता है इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इयमेव इयम का अर्थ होता है यह, यह जो संस्कृत भाषा है, यह भाषा संस्कृत नाम नापि संस्कृत नाम से लोके प्रथिता अस्ति, प्रथिता का अर्थ होता है प्रसिद्ध है, लोक में संसार में प्रसिद्ध है। यह भाषा संस्कृत भाषा के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम हमारा रामायण महाभारत आद्य आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारो वेद चारो वेद, उपनिषद उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, और अन्यानि और अन्य महाकाव्य नाट्यदीनि और अन्य महाकाव्य नाटक, अस्यामेव इसी भाषा में नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखितानि लिखे गए, संति का अर्थ होता है। इयमेव भाषा सर्वाशम आर्य भाषाणाम, सर्वाशाम आर्य भाषाणाम, तो सर्वाशम अलग करेंगे फिर आर्य भाषाणाम जननीति ते भाषा तत्व विद्धि। तो अयमेव इयमेव मतलब इयम का अर्थ होता है यह, यह भाषा जो है ये भाषा तत्व विद्य विद्य भाषा तत्व के विद्वान, जननीति जननी कहते हैं किसको? सर्वसम आर्य भाषाणाम, यह भाषा इयमेव मतलब यह भाषा भाषा तत्व विद्वानों के द्वारा सभी भाषाओं की, सर्वसम सभी आर्य भाषाओं की जननी, जननी कही गई है, माता कही गई है। ठीक है, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। तो आप यहां से भी कर सकते हैं कि भाषा तत्व विद्वानों के द्वारा अर्थात भाषा तत्व का ज्ञान रखते हैं जो, या भाषा के ज्ञानियों के द्वारा, तो भाषा तत्व विज्ञानों के द्वारा इयमेव भाषा यह भाषा सर्वासम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की जननीति जननी कही गई है। ठीक है, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत तस्य का अर्थ होता है कारक लगा, संस्कृत का गौरव विभक्ति है। बहुविधि ज्ञानस्य अस्यत्वम, बहुविधि का ज्ञान और इसका बहुविधि का जो ज्ञान है, व्यापकत्वम इसकी व्यापकता, च न कस्यापि कस्यापि दृष्टेर विषय किसकी दृष्टि से अविषय है, अर्थात किसकी दृष्टि से किस कश्यापि मतलब किसकी किसकी दृष्टि से छिपा हुआ है। ठीक है, तो संस्कृत का गौरव बहुविधि का ज्ञान, ठीक है, और इसका बहुविधि का ज्ञान, च व्यापकतम और इसकी व्यापकता,
कस्यापि दृष्टेर विषयः, किसकी दृष्टि से अविषयः, दृष्टे है और फिर ये अह की बुंदी लगेगी और ये अविषयः बन जाएगा, किसकी दृष्टि से अविषय है अर्थात किसकी दृष्टि से छिपा हुआ है, अर्थात कौन इसकी व्यापकता को, कौन इसके गौरव को और कौन इसके विविध ज्ञान को नहीं जानता है। ठीक है, तो संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव और बहुविधि का ज्ञान, ज्ञान अस्य त्वम और इसका बहुविधि का च लगा है और इसका बहुविधि का ज्ञान और फिर च लगा है और व्यापकत्वम और इसकी व्यापकता न कस्यापि किसकी आंखों से दृष्टेर विषयः दृष्टि अविषय है किसकी दृष्टि से अविषय है या फिर किसकी दृष्टि से छिपा हुआ है संस्कृतस्य या फिर ये कैसे किसी की दृष्टि से न लगा है तो नहीं छिपा हुआ है ठीक है या किसी की भी दृष्टि से अविषय नहीं है संस्कृतस्य संस्कृत का गौरवमेव गौरव दृष्टि पथमानिया और इसकी दृष्टि पथ का उपयुक्त ययुक्त माचार्य प्रवणेर दंडिना तो संस्कृत के गौरव और इसकी दृष्टि पथमानिया और इसके दृष्टि पथ के ज्ञान को मान करके ठीक है और इसके ज्ञान को मान करके या इसके ज्ञान को दृष्टि पथ में रखकर देख करके उपयुक्त उपयुक्त ही कहा है आचार्य प्रवण दांडिना दांडी ने आचार्य प्रवीण दांडी ने उपयुक्त ही कहा है मतलब सही ही कहा है क्या कहा है संस्कृतम नाम संस्कृत का नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी महर्षियों के द्वारा वाग मतलब हो जाएगा वाक जब आप इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा वाक और क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा अनव्याख्याता अनव्याख्याता ठीक है क्या हो जाएगा वाक वाक का मतलब हो जाएगा आपका वाणी और अनव्याख्याता का अर्थ होता है कहा गया है या कहा है कहा है ठीक है कहा है तो किसने कहा है महर्षियों ने संस्कृत को दैवीय वाक देवताओं की वाणी कहा है ठीक है ये किसने कहा है आचार्य प्रवण दंडी ने कहा है उन्होंने ये बात कही है कि महर्षियों ने संस्कृत भाषा को संस्कृत नाम की भाषा को देवताओं की वाणी कहा है ठीक है या संस्कृत को देवताओं की वाक का अर्थ होता है वाणी दैवी मतलब दैवी वाणी देवताओं की वाणी कहा है ये आचार्य दंडी कह रहे उनके पहले के जो महर्षि थे उन्होंने भी संस्कृत भाषा को क्या कहा है देवताओं की वाणी कहा है एक बार फिर से देख लीजिए कोई कंफ्यूजन होगा तो धन्य है भारत देश यत्र जहां पर समुल्लसित सुशोभित होती है जनमानस को पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी भव्य भावों को उत्पन्न उद्भव देने वाली और शब्द संदोह प्रश्वनी और शब्द समूहों को जन्म देने वाली प्रसव का अर्थ होता है जन्म जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी तो यह भारत देश धन्य है जहां पर जनमानस को पवित्र करने वाली भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित होती है ठीक है विद्यमाने सुवर्तमान निखिलेस्वपि वर्तमान संपूर्ण साहित्य से साहित्य वांगेशु साहित्य में अस्याह इसका वांगमय इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ च और सुसंपन्नम सुसंपन्न वर्तते है तो वर्तमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य अर्थात संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है इयमेव यह एव एव अलग हो जाता है और इयमेव एव जो होता है वो निश्चितता के लिए लगता है और इयम का अर्थ होता है यह भाषा संस्कृत नाम नायापि संस्कृत नाम से लोके प्रथिता अस्ति लोक में अर्थात संसार में प्रथिता है प्रसिद्ध है अस्माकं रामायण हमारा रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेद चारो वेद उपनिषदा उपनिषद आज अष्टादश पुराणानि 18 पुराण और अन्यानि और अन्य महाकाव्य नाट्य दीनी महाकाव्य और नाटक इत्यादि अस्यामेव इसी भाषायां भाषा में लिखितानि लिखे गए संति का अर्थ है इसी भाषा में लिखे गए हैं इयमेव यह भाषा भाषा हो जाएगी सर्वास आर्य भाषाणाम जननीति ते भाषा तत्व विद भी तो भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा या भाषा तत्व विदों के द्वारा यह भाषा सभी आर्य भाषा सर्वाशम मतलब संपूर्ण या सभी आर्य भाषा नाम आर्य भाषाओं की जननीति जननी कही गई है माता कही गई है संस्कृतस्य गौरव संस्कृत का गौरव बहुविधि विज्ञानस्य अत्वम और इसका बहुविधि का ज्ञान या इसका विविध ज्ञान व्यापकत्वम च और इसकी व्यापकता
ना कस्यापि किसी की दृष्टि से, किसी की नहीं, दृष्टेरेव दृष्टि से अविषया किसी की भी दृष्टि से नहीं छिपा हुआ है। संस्कृत से संस्कृत का गौरमेव गौरव दृष्ट पथ प्रथमानिया संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए या दृष्टि पथ में रखते हुए दृष्टि पथ में मान करके उपयुक्तम आचार्यम प्रवणेर आचार्य प्रवण दंडिना दंडी ने आचार्य प्रवण दांडी ने उपयुक्त ही कहा है अर्थात सही ही कहा है। इसको संस्कृत भाषा के गौरव और उसकी उस संस्कृत भाषा के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवण प्रवरीण या आचार्य प्रवण दांडी ने उपयुक्त ही कहा है सही ही कहा है। संस्कृतम नाम संस्कृत नाम दैवी देवताओं की वाकवाणी अनव्याख्याता कहा कही गई है महर्षि भी महर्षियों के द्वारा संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा गया है। महर्षियों के द्वारा संस्कृत को क्या कहा गया है देवताओं की वाणी कहा गया है। ठीक है ये पैराग्राफ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया आ गया समझ में आप लोगों के एक बार बता दीजिए संस्कृत की भाषा क्या कही गई है महर्षियों के द्वारा देवताओं की वाणी कही गई है। ठीक है चलिए हाँ समझ में आ गया। संदर्भ लिखना ऐसे ही लिखना है इस पे आपको 2 नंबर मिलेगा अगर आप सही संदर्भ लिखते हैं तो लेखक का नाम इसमें होता नहीं है बस यही लिखना रहता है। प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत जो अंश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है संस्कृत दिग्दर्शिका है ना आपकी किताब का नाम या संस्कृत के संस्कृत भाषायाम महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है या फिर कहिए नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है तो इस पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। बाकी आपका अनुवाद दिया गया है इस पे आपको 5 नंबर मिलेगा अगर आपने सही लिखा है तो ये तो आपने देख ही लिया है। ठीक है देख लिया है ना समझ में आ गया ना सभी के चलिए हाँ समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है अगला पैराग्राफ दिया है संस्कृत से साहित्यम शरशम व्याकरणस्य सुनिश्चितम संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण च लगा है व्याकरणस्य और व्याकरण कैसा है सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये इसका गद्य पद्ये पद्य च लालित्यम पद्य में लालित्य है इसके गद्य और पद्य में लालित्य है। भाव बोध सामर्थ्यम और भाव बोध में सामर्थ्य है। अद्वितीयम श्रुति माधुरस्य वर्तते और इसमें अद्वितीय श्रुति माधुर्य है मतलब सुनने में मधुर लगता है। अद्वितीय मतलब ऐसा अलौकिक श्रुति माधुर्य है ऐसा श्रुति माधुर्य किसी और विषय में या कह किसी और भाषा में नहीं मिलता है। ठीक है तो संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण जो है वो सुनिश्चित है। ठीक और तस्य गद्य इसका गद्य पद्य इसके गद्य और पद्य में लालित्यम लालित्य है में लालित्य है। भाव बोध सामर्थ्य और इसके भाव बोध में सामर्थ्य है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्य वर्तते और इसमें अलौकिक कहें या फिर कहें अद्वितीय श्रुति माधुर्य है सुनने में मधुर लगता है। अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वांग्मयम ददाति न तादृशीम किंचय दंत्यम। किम बहुना मतलब बहुना मतलब अधिक किम मतलब क्या कहूँ अधिक क्या कहूँ। चरित्रम निर्माणार्थम चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी का अर्थ होता है जैसी यादृशी का अर्थ होता है जैसा या जैसी 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 सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मय संस्कृत वांग्मय का अर्थ क्या होता है वांग्मयम का अर्थ होता है साहित्य जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य ददाति देता है न तादृशिम तादृशिम का अर्थ होता है वैसी 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 न और वैसी किंच दंत्यम वैसी कहीं भी नहीं मिलती या वैसे वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानाम मूलभूत मानवीय गुणानाम मानवीय गुण यादृशी जैसी विवेचना मतलब विवरण या विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते है नायत्रम ऐसी कहीं भी नहीं तादृशी वैसी कहीं भी नहीं है। यत्र का मतलब होता है कहीं भी ना नहीं है। ठीक है यत्र मतलब वहां ऐसी कहीं भी नहीं है तादृशी का अर्थ हो गया वैसी। दयादानम दया दान शौचम पवित्रता औदार्यम उदारता अनुसूया क्षमा अन्य च
अनेको गुणः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जन्ते। ठीक है, अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जन्ते। तो दयादानम शौचम का अर्थ हो गया पवित्रता, पवित्रता। ठीक है, औदार्यम उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या ना करना, ईर्ष्या ना करना, क्षमा, अन्य चाने को गुड़ा अस्य साहित्यस्य अनुशीलन वर्तते। तो दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या ना करना क्षमा अन्य च और अनेक गुणः और अनेक गुण अस्य इस साहित्यस्य इस साहित्य के अनुशीलन अनुशीलन करने से सज्जन्ते सुशोभित होते हैं या कहें तो इस साहित्य के पढ़ने से मिलते हैं सज्जन्ते यथार्थ सुशोभित होते हैं। ठीक है, इस साहित्य का अध्ययन करने से सुशोभित होते हैं या कहें तो इस साहित्य का अध्ययन करने से या पढ़ने से, अध्ययन लिख दीजिए। ठीक है, अध्ययन करने से से सजते हैं मतलब सुशोभित होते हैं। तो क्या था, संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का जो साहित्य है सरसम सरस है, व्याकरणस्य और व्याकरण सुनिश्चितम सुनिश्चित है, तस्य गद्य इसका गद्य और पद्य, गद्य और पद्य में लालित्य, गद्य और पद्य में लालित्य, भाव बोध सामर्थ्यम भाव बोध की समर्थता, अद्वितीयम 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 श्रुति माधुरस्य वर्तते और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, इसके भाव इसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भाव बोध में सामर्थ्यता है और अलौकिक क्या कहें तो अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। किम बहुना अधिक क्या कहूँ बहुत क्या कहूँ, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशी जैसी सत्प्रेरणाम सत्प्रेरणा, संस्कृत वांग्मय संस्कृत साहित्य ददाति देता है, ना तादृशम वैसी नहीं देता, किन किंश्चंत अवैसी कोई भी नहीं देता, क्रिश्चंत दयंतम दयंतम तो वैसी कोई भी नहीं देता है, मूलभूतानाम मूलभूत, मानवीय गुणानाम मानवीय गुण, यादृशी जैसी विवेचना मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते है, ना यत्रम तादृशिम वैसी कहीं और नहीं है। तो मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी कहीं और नहीं है। दयादानम दया दान शौचम पवित्रता औदार्यम उदारता अनुसूया ईर्ष्या ना करना क्षमा अन्य अन्य च और अन्य अनेको गुणा अनेक गुण अस्य इस साहित्य साहित्य के अनुशीलन अध्ययन करने से सज्जन्ते प्राप्त होते हैं। तो दया दान उदारता दया दान पवित्रता ईर्ष्या ना करना सॉरी दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या ना करना क्षमा और अन्य अनेक गुण और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन करने से उत्पन्न होते हैं सजते हैं इस साहित्य के अध्ययन करने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो इसका हमें संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ पूरे लेसन का एक जैसा ही होगा, संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल अनुवाद में परिवर्तन होगा। तो ये इस पैराग्राफ का आपको अनुवाद दिया गया है। ठीक है, अब चलिए अगला पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ है ये, इसमें क्या कह रहा है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च भाष भारवी भव भूत्यादयो, अन्य और अन्य भाष भारवी भारवी भव भूत भवभूत ये भी कवि थे, आदि महाकव्य आदि महाकवि, स्वकीय मतलब होता है अपने, स्वकीय का अर्थ क्या होता है अपने अपने स्वयं के ग्रंथ रत्ने ग्रंथ की रचना से, स्वयं के ग्रंथ की रचना से अध्यापि आज भी पाठका नाम पर पाठकों के हृदय हृदय में विराजन्ते विराजमान है। इयम भाषा यह भाषा अश्माभि हमारी, अश्माभि का अर्थ होता है हमारी, यह भाषा हमारी मातृशा माता के समान सम्मानीय सम्मानीय है वंदनीय और च और वंदनीय है, यतो क्योंकि भारत मातुः भारत माता के स्वतंत्रयाम स्वतंत्रता में गौरवम, भारत माता की स्वतंत्रता गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक एकमत्वश्च
और सांस्कृतिक एकता, च को आगे लगाएंगे, और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव, संस्कृत से ही सुरक्षितम, सुरक्षित, शक्यन्ते, हो सकती है, ठीक है, संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इससे सुरक्षित हो सकती है संस्कृत से, यतो तो का अर्थ याद रखेंगे क्योंकि होता है, क्योंकि होता है। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य, भास, भैरवी, भवभूति, भवभूत आदि, मतलब भवभूति आदि, भवभूति आदि, ठीक है, भव भवभूति आदि महाकवि, आदि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रचना है, अपने ग्रंथ की रचना से अद्यापि आज भी पाठका नाम पाठकों के हृदय हृदय में विराजन्ते, विराजमान है। इयम यह भाषा अस्मा भी हमारी मातृ सम माता के समान सम्माननीय, सम्माननीय है, वंदनीय च और वंदनीय है। या तो क्योंकि भारत माता हो, भारत माता का की स्वतंत्रता गौरवम, गौरव और अखंडत्वम और अखंडता, भारत माता की स्वतंत्रता गौरव और अखंडता, सांस्कृतिक एकमत्वस्य और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव, संस्कृत से ही सुरक्षितम, सुरक्षित, शक्यन्तु, हो सकती है, यह संस्कृति से ही, संस्कृत शब्द भाषा से ही सुरक्षित हो सकती है। इयम यह संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषा सुभाषाओं की से प्राचीनतमा, प्राचीन, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ च अस्ति और श्रेष्ठ है। तो यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं से प्राचीन च और श्रेष्ठ अस्ति, अस्ति है, ठीक है। ततः अतः सुष्ठ उक्तम, अतः सही ही कहा गया है या उचित ही कहा गया है। भाषा सुमुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गिरवाण भारती, गिरवाण भारती मतलब होता है संस्कृत भाषा, देवताओं की भाषा इति है। अतः सही ही कहा गया है, इति मतलब ऐसा ही कहा गया है, अर्थात अब यह सही ही कहा गया है, उचित ही कहा गया है कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। कौन सी भाषा? गिरवाण मतलब होता है देवता, वाणी भारती वाणी, देवताओं की जो भाषा है, गिरवाण भारती संस्कृत को हम कहते हैं, जो देववाणी है वह सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है, ठीक। तो एक बार देख लीजिए, संस्कृत साहित्य, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत साहित्य के यस से जब लगता है तो के आता है अस्य, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, च और अन्य अन्य, भास, भैरवी, भूत, भवभूत आदि, भास, भैरवी, भवभूत आदि, महाकवि, महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रचना है, ग्रंथ की रचना से अध्यापि आज भी पाठ का नाम पाठकों के हृदय, मतलब हृदय विराजन्ते, विराजमान है। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य, भास, भैरवी, भवभूति आदि, महाकवि अपने ग्रंथ की रचना से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा यह भाषा अस्मा भी हमारी मातृ सम सम्माननीय माता के समान सम्माननीय वंदनीय और च और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माता हो स्वतंत्रता, भारत माता की स्वतंत्रता गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, संस्कृतिक एकमतस्व और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव, संस्कृत से ही सुरक्षितम शक्यन्ते, सुरक्षित हो सकती है। यह भाषा हमारी मातृ के समान, हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता, संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषा सुभाषाओं की प्राचीनतम प्राचीन है च और श्रेष्ठ अस्ति और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः अतः सुष्ठ उक्तम, अतः सही ही कहा गया है या उचित ही कहा गया है, ठीक है, अतः ठीक ही कहा गया है या उचित ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है, क्या कहा गया है कि
कि भाषास्तु मुख्या, भाषाओं में मुख्य मधुर, मधुरा दिव्या, मधुर दिव्य, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा है इति ऐसा कहा गया है। अतः ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा भाषाओं में, संस्कृत भाषा भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है, या कहें तो देववाणी संस्कृत भाषा देवताओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। तो इसका भी समझ में आ गया अर्थ आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया। ये है आपका पद्य, ये है आपका संदर्भ जिस पे आपको 2 नंबर मिलेगा, और प्लस इसका ये अनुवाद दिया गया है। जहां भी आप लोग फंसिएगा वहां से अनुवाद दोबारा देख करके एक दो बार आप लोग खुद से पढ़िएगा। तो चलिए आज इसी के साथ आपकी क्लास की समाप्ति होती है। हम मिलेंगे फिर अपनी अगली क्लास में, जिसमें हमें जातक कथा पढ़ना है। ठीक है, जातक कथा पढ़ना है, तो हम अपनी अगली क्लास में जातक कथा पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, उसके अनुवाद को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे फिर अपनी अगली क्लास में। चलिए।